जय श्री राम प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, एक ही दिन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल 100% सच है। उस ऊपर वाले का कोई जवाब नहीं, वो क्या दे कब दे कोई हिसाब नहीं, क्योंकि जब वो देता है तो इतना देता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। हमारे पास कमेंट आया है, आप उस कमेंट को स्क्रीन पे देखिए। वो लिखते हैं, थैंक यू दीदी, मैं आपका बताया हुआ उपाय अभी किया और करने के बाद इंटरव्यू में आज सेलेक्ट हो गया। फिर इंटरव्यू में एक लड़की मिली, उससे मेरी शादी फिक्स भी हो गई और डेट भी फाइनल हो गया। आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा सोल्व कर दीजिए। जिस दिन मुझे कंपनी में ज्वाइन करना है उसी दिन मेरी शादी भी है, मैं कंपनी ज्वाइन करूं या शादी करूं या दोनों करूं सेम डे पे है, तो ये पूछना चाहते हैं हमें क्या करूं। तो हमारे हिसाब से तो इनको पहले कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, शादी की डेट आगे पीछे भी कर सकते हैं ये, यानी कि दूसरा मुहूर्त भी निकल सकता है। तो देखिए, इन्होंने एक ही दिन उपाय किया, एक ही बार, दिन भी नहीं एक ही बार, और इनका इनको नौकरी भी मिल गई और इनको लड़की भी मिल गई। तो उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है, वो देते हैं जब इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाते हो। ये एक और कमेंट आया है, ये लिखती हैं, माता जी आपकी सभी वीडियो देखती हूँ और प्रभु की परम कृपा का उठते विच बैठ कर नाम जप करती हूँ। माता जी सच में कार्य बनते ही जा रहे हैं, जो सोचा नहीं था वो सब हो रहा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु को प्रणाम। तो देखो प्यारे भक्तों, लाभ हो गया, आपको नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इनका विश्वास 100% टिक गया कि ये मेरा काम होगा ही होगा, और इन्होंने अपनी इच्छा मन से बोली या भगवान का नाम जप किया तो इनकी वो आवाज़ भगवान तक पहुंच गई। क्योंकि एक बार भी अगर तुम भगवान तक आवाज़ पहुंचा देते हो आर्त भाव से, तो पहुंचते ही वो आपको उसी के अनुसार बनाने लग जाते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी चमत्कार हो, आपके भी सभी काम बने, तो निरंतरता से भगवान की भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए। शुरुआत में अगर आपका विश्वास श्रद्धा भाव नहीं है, तो भी एक बार इस नाम को पकड़ लीजिए, उसके बाद आपको विश्वास भी हो जाएगा, श्रद्धा भी आ जाएगी, प्रेम भी हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसे नाम जप करने लग जाते हो तो उस नाम में इतनी शक्ति है कि सब कुछ अपने आप हो जाता है, फल आपको अवश्य ही मिलेगा। आपकी इच्छा है तो उसको निरंतरता से बोलते रहे, निश्चित ही आपकी पूरी होगी, ये हमारा मानना है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।